हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि रेलवे गेटमैन में गेट पर क्या क्या होता है और उसकी उनकी जो ड्यूटी होती है गेटमैन की, उनकी ड्यूटी क्या क्या होती है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गेट पर आप लोगों को क्या क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इधर आपका है, यह हो गया आपका गेट, यह देखिए स्लाइड, यह स्लाइड बूम है और वहाँ बूम है, तो उसी से गेट बंद होता है और उसी से खुलता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को आगे दिखाते हैं। देखिए इधर गेटमैन जो है वो खड़े हैं और उधर देखिए गेटमैन का जो है रूम है, तो इसी प्रकार का रूम होता है, दूर से देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए गेट में आने से आइएगा तो इस तरह का रहेगा। इधर देखिए रूम, एक रूम रहता है, इसी में गेटमैन जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। इधर देखिए अभी गेटमैन साहब इधर हैं, तो इनसे भी कुछ बातचीत होगी। पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि गेट में क्या क्या होता है। देखिए बाहर से इस तरह का रहता है, तो इसी में अपना गेटमैन अकेले बैठे रहते हैं। देखिए टॉर्च उर्च भी रखे हुए हैं रात के लिए, तो वो सब अपना रखे रहते हैं। और इधर देखिए, इधर आइएगा तो इधर देखिए ठंडा के लिए आपका हीटर भी मिल जाएगा। तो ठंडा, अभी ठंड का मौसम है इसीलिए हीटर उटर भी रखे हुए हैं ताकि ठंड ना लगे और ड्यूटी करते रहें। और इधर देखिए, इधर ये रहता है कुछ सामान वामान रखने के लिए, इधर स्टोर रूम अंदर में रहता है। तो चलिए बाहर ही चलते हैं और अब गेटमैन साहब से बातचीत करते हैं थोड़ा बहुत, और उनसे आप लोगों को जानकारी लेंगे कि इनका ड्यूटी कैसा रहता है और क्या क्या वो करते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हम और ये गेटमैन साहब सभी मतलब एक ही स्टेशन पे इनका भी पोस्टिंग हो, लेकिन ये गेटमैन है और हम पोर्टर हैं। तो पोर्टर का तो ड्यूटी जानते ही हैं कि वो स्टेशन में होता है, तो हम स्टेशन में कार्य करते हैं और ये यहाँ गेट पर रहते हैं। तो ये हमारे बड़े भैया ही हैं, तो अब आप लोग को बताएंगे अपने बारे में। बताइए भैया अपने बारे में कुछ। हेलो दोस्तों, मैं शिवंदर कुमार, गेटमैन नगर उटारी, LC नंबर 36 स्पेशलिटी धनबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। कब से पोस्टेड है भैया? 23/4/2006 से। अच्छा, तब से पोस्टेड है ना जी। अच्छा भैया, आप बताइए कि आपकी जो है वो ड्यूटी मतलब कितने घंटे की रहती है? ड्यूटी 8 घंटे की होती है। अच्छा, 8 घंटे। ये ऑपरेटिंग गेट है दोस्तों, तो ऑपरेटिंग गेट पे 8 घंटे ही होते हैं ना भैया जी। दोस्तों, हम गेटमैन साहब से बात कर ही रहे थे कि उनको जो है स्टेशन से फ़ोन आ गया कि जो डाउन सेट ट्रेन छोड़ा है गेट बंद करिए। तो वो गेट बंद करने के लिए गए हैं, दिखाते हैं कि गेट कैसे बंद होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अच्छा, देखिए ऊपर में सायरन बज रहा है, अब गेट बंद होगा। रोड में चलने वाले गाड़ी को सतर्क करने के लिए अच्छा सायरन बजाया जाता है। अच्छा, देखिए वहाँ बूम जो है वो गिर रहा है, यहाँ स्विच है, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो वो स्विच से ही बंद होता है। तो इसके लिए भैया ऊपर में सायरन पहले बजा दिए हैं ताकि सुरक्षा सेफ्टी के साथ काम किया जाए, इसीलिए ऊपर में सायरन देखिए बज रहा है। और भैया धीरे धीरे वहाँ देख के कि यात्री कोई बीच में या कोई गाड़ी बीच में नहीं आ रहा है, वो सब देख के अपना ये गिरा रहे हैं। इसके लिए देखिए इतना मतलब बहुत ही ये रिक्सी काम है, गेटमैन की नौकरी बहुत ही रिक्सी है। आप अगर देख के नहीं करिएगा तो वहाँ आपको ये भी किसी को चोट लगेगा तो वो भी कंप्लेन, ये इस डट बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। देखिए वो गेट हो गया। देखिए दोस्तों, उधर से गाड़ी आ रही है, गेटमैन साहब तैयार हैं झंडा लेके। देखिए अब झंडा दिखाएंगे, गाड़ी जा रही है, यही सब काम रहता है, गेट बंद करना, झंडा दिखाना। देखिए जो गाड़ी है वो अब पास करेगी, इसीलिए गेट बंद किया जाता है।
आगे भी इंजन लगा हुआ था और पीछे भी इंजन लगा हुआ था। देखिए गाड़ी चली गई है, अब गेट फिर से ओपन होगा, देखते हैं अब कैसे ओपन होता है। यहाँ देखिए ये मशीन है, इसी से अब गेटमैन साहब ओपन करेंगे, कैसे करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो है स्टेशन से लॉक किया जाता है, जब तक गाड़ी पास करेगी और स्टेशन से वहाँ से दिया जाएगा चाबी, उसके बाद ही है चाबी लेंगे और फिर वहाँ से गेट, देखिए चाबी दे दिए वहाँ रेड बटन, वो चाबी निकाल लेंगे और इसमें लगाएंगे, उसके बाद ही है देखिए अब वहाँ खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलता। और देखिए उठाते वक्त भी सायरन बजा दिए हैं ताकि सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। देखिए अब धीरे धीरे ये बटन से ही, ओपन वाला बटन रहता है उससे ही ये खुल जाता है। तो देखिए उधर यात्री लोग अपना चले गए। बताइएगा भैया कि जो रेलवे पे गेट पे ड्यूटी करने में क्या क्या पब्लिक को कैसे संभालते हैं, क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में अपने बताइएगा। ये रोड है, रोड थोड़ा बिजी है और गेट गिराने समय ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड पे गाड़ी चलने के कारण किसी के ऊपर ना गिर जाए, सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए अपना बंद करना है और उसे बंद करने के क्रम में ध्यान देते रहना, पूरा सेफ्टी के साथ करते हैं ना जी। अच्छा अच्छा भैया आप छुट्टी के बारे में बताइए कि कैसा छुट्टी रहता है आपका, रेस्ट मतलब कितना मिलता है और छुट्टी कितना साप्ताहिक रेस्ट है। अच्छा, और छुट्टी तो अपना जो है केजुअल 11 छुट्टी, 10 छुट्टी जो है, उसके बाद LFP है जो 30। अच्छा, वो छुट्टी। अच्छा, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ छुट्टी मतलब मिला जुला के 50-60 छुट्टी मोटा मोटी साल में रहता है रेलवे में ना। चलिए ठीक है, तो चलिए भैया अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी मतलब वर्तमान में आप मतलब आपको वेतन के रूप में कितना दिया जाता है रेलवे के द्वारा? रेलवे के द्वारा वही 30+ है। अच्छा 30+ है, 30+ है। और अच्छा ये बताइए कि सब मतलब पहली बार 2006 में ज्वाइन किए थे तो उस समय कितना वेतन था? उस समय तो बहुत कम, लमसम 5,000 के आसपास। हाँ तो लमसम 5,000 के, अभी है 30,000। अब कितना दिन आपका मतलब नौकरी बचा हुआ है? नौकरी अभी है 45 में रिटायरमेंट। अच्छा 45 में है, मतलब अभी 20-25 साल और नौकरी बचा हुआ भैया का। चलिए ठीक है भैया, तो फिर